फाइनली माय हीरो अकेडमिया के सीजन 4 के ऊपर यानी कि हिंडनब के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। उसके साथ साथ नरूटो शिपन के एपिसोड नंबर 7 और 8 के अंदर क्या हुआ सोनिया के ऊपर मैं बताऊंगा आप लोगों को। इतनी बेइज्जती यार मैंने कांकुरो की कभी देखी नहीं यार, क्या ये बेइज्जती हुई है शिपुडन के अंदर। उसके साथ साथ सोलो लेलिंग के सीजन 2 के ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत सारे ऐसे अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले तुम्हारे फर्स्ट एनिमी अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है ड्रैगन बॉल की तरफ से, तो मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया के अंदर ड्रैगन बॉल के थीम पार्क को ओपन कर दिया गया है। तो भाई जो भी सऊदी अरेबिया के अंदर जाएगा या जो भी रहता है तो भाई मेरे को वीडियो फुटेज भेज देना उसका, मैं देख लेगा। इतना दूर तो मैं आ नहीं सकता, पैसा मसंगा ए, पैसा दसंगा ए। मैं बात कीजिए हमारे दूसरे अपडेट की, तो कैसे ये निकल के आ रहा है ब्लैक क्लोवर के मांगा के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं ब्लैक क्लोवर का मांगा रिटर्न कर रहा है, वो भी 30 अप्रैल से, यानी कि 30 अप्रैल से हम लोग को ब्लैक क्लोवर का मतलब मांगा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर से वापस आ चुका है ब्लैक क्लोवर, तो अब कोई टेंशन नहीं, हमें आने वाले वक्त में भी उसकी एनिमे से एपिसोड देखने के लिए मिल जाए। अब बात करें तुम्हारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है एक ऐसे एनिमे के ऊपर जो खत्म होने वाला है जिसका नाम है सुसाओ नौ फ्राई एरन। हां गाइस ये जो एनिमे आज एंड होने वाला है हम लोग दुआ करेंगे कि ये अगले जन्म में भी हम लोगों को देखने के लिए मिले। बात करें तुम्हारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है सोलो लेवलिंग के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं सोलो लेवलिंग का जो न्यू एपिसोड है यानी कि एपिसोड नंबर 11 हां गाइस उस एपिसोड के फोटोज आ चुके हैं। प्रीव्यू फोटोज गाइस जबरदस्त है और उसके अंदर हम लोगों को एग्रिस का भाई साहब फोटोज को जैसे चीजें दिखाई गई है। तो गाइस ये जो मतलब एपिसोड होने वाला है इतनी पावरफुल एपिसोड होने वाला है, मतलब क्या ही बताऊं, इसके अंदर हम लोगों को पावरफुल फाइट देखने के लिए मिलने वाली है, मैं बोल ही भी नहीं सकता। उसके साथ-साथ सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को भी कंफर्म कर दिया गया, यानी कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 को हम लोगों को इसी साल दिखाया जाएगा, यानी कि 2024 के अंदर ही दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट भी निकल के आ चुकी है। बात की जाए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है MHA के सीजन 4 के ऊपर, यानी कि माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 को हिंदी में हम लोगों को जल्द ही दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और गाइस इसकी डबिंग स्टार्ट हो चुकी है बोल के बहुत बड़ी अपडेट है, मतलब डबिंग कब की स्टार्ट हो चुकी थी और ये प्रोग्रेस में है बोल के अपडेट निकल के आ चुका है। उसके साथ साथ हम लोगों को जल्द ही कार्टून नेटवर्क की मतलब इसका एक प्रोमो मतलब दिखा दे हम लोगों को। अब ये कब दिखाएगा आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा, कार्टून नेटवर्क मतलब खुद ही दिखाएगा यार, और लिटरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो माय हीरो एकेडमी के जितने भी फैंस है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। बात कर लेते हैं हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो निकल के आ रहा है नरूटो शिपन के एपिसोड नंबर 7 और 8 के ऊपर, यानी कि कल सोनिया के ऊपर नरूटो शिपन के एपिसोड नंबर 7 और 8 को दिखाया गया, वो भी हिंदी डब में। और भाई उस एपिसोड के अंदर कांकुरो की जो बैंड बजी है अलग तरीके से। भाई मैं आपको बता दूं कि कल के एपिसोड के अंदर भाई हमारा कांकुरो जो है गारा को बचा नहीं पाया, मतलब पूरे एपिसोड के अंदर एपिसोड नंबर मतलब 6 और 5 के अंदर सिर्फ कांकुरो ये बोलता रहा कि गारा कर सकता है, गारा वो करेगा ये करेगा। भाई डेडरा और गारा की लड़ाई हो रही थी, गारा को बचा नहीं पाया और डेडरा गारा को बेहोश या मार के लेके चला गया। और लिटरली बाद में हमारे कांकुरो के अंदर एक भूत आता है कि भाई चलो भाग के गारा को बचाऊंगा आप में, और भाई वो सुसाइड विलेज यानी कि सैंड विलेज के अंदर बचाने की जगह वो सैंड विलेज को छोड़ के बाहर जाके बचाता है। तो भाई अब यहां से आप लोग समझे कुछ, यानी कि खुद मतलब कांकुरो ने प्लानिंग बना दिया था कि भाई अगर मैं सैंड मतलब सुसाइड यानी कि सैंड विलेज के अंदर मैं हार जाऊंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, उसके अलावा मैं बाहर जाके डेडरा को हरा दूं या मार दूं या कुछ तो कर दूं बाहर जाके या मैं खुद मर जाऊं। तो बाहर जाता है और लिटरली बाहर जाके उसकी मुलाकात होती है हमारे महान महान अकास्की के मेंबर मतलब ससुरी भैया मतलब ससुरी से होती है, मतलब फूटी किस्मत कांकुरो की ससुरी के साथ उसकी लड़ाई होती है वहां, मतलब डेडरा की जगह ससुरी ने उसकी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। और लिटरली यार मैं आपको बता दूं कांकुरो ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया, इतनी पावर की कि भाई आप सोच भी नहीं सकते, जो उसके पास थी ही नहीं उन पावर्स को उसने इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बता दूं कि जिन मतलब पावर्स को यानी कि जिस पपेट से वो खेल रहा था यानी कि मारने की कोशिश कर रहा था ससुरी को, उन पपेट्स को खुद ससुरी ने ही बना रखा था। इससे आप लोग समझ सकते हो कि ससुरी भाई साहब भी सैंड विलेज के ही है। तो भाई ससुरी भाई की जय हो कि भाई उस्ताद जी यानी कि हमारे कांकुरो उस्ताद जी को उन्होंने हरा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। कि भाई मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे कल के एपिसोड के एंडिंग के अंदर में ये दिखाया गया कि भाई साहब ससुरी ने अपने मतलब पॉइजन की मदद से उसने हमारे हमारे जो है ना कांकुरो भैया को मार दिया है और उसको पॉइजन लग चुकी है। अब 3 दिन तक वो पॉइजन उसके अंदर चढ़ती रहेगी। उसके साथ दूसरी तरफ हम लोगों को टीम काकाशी को भी दिखाया गया जो गारा को बचाने के लिए निकल पड़े मतलब निकल पड़े हैं। तो भाई वो लोग अब सैंड विलेज के अंदर आएंगे। अब क्या क्या होगा आने वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा देना, मतलब दबा दो यार, प्लीज दबा दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। मित्रों के ऐसे इंटरेस्टेड के अंदर जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।